बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जस्टिस इब्राहिम खान, गुज़श्ता रात आपने आईन और कानून की पासदारी करते हुए मोहतरमा जरताज गुल को जो इंसाफ दिलाया, आज पूरी कौम और खासकर केपीके के अवाम और वकला आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये खवातीन मुल्क की 51% आबादी की तर्जुमान हैं। काश इस किस्म का इंसाफ ईमान ताहिर को, दूसरी खवातीन जो इस वक्त हमारी जेलों के अंदर बंद हैं झूठे मुकदमात के अंदर, जमशेद दस्ती साहिबा की अहलिया को और डार साहिबा की वालदा को भी वो इंसाफ मिल सके। उमर डार को कैमरे की आंख ने देखा कि अगवा किया है, काश उनका और दूसरे अगवा कुनिंदगान का अता पता मिल जाए और उसमें मुलव्वस लोगों को सजा दी जाए। खुदारा सोचें हम इस मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं, जिन लोगों के लिए दुआएं हमारे हाथ किया करते थे, दिल से उनके लिए मोहब्बत थी, ये हाथ उठते थे उनकी दुआओं के लिए। आज पूरी कौम के दिलों में हकीकत यह है कि नफरत पैदा हो चुकी है। ये मोदी इसराइल का एजेंडा हो सकता है, लेकिन किसी पाकिस्तानी मुहिब वतन का नहीं। काजी फाइज ईसा साहब अपनी आंख के नीचे, अपनी नाक के नीचे आमर फारूक के फैसले, अबू हसनात के फैसले और जज दलावर के फैसलों पर नजर रखें। तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। मुझे उस दिन से डर है कि ऐसे फैसला करने वाले जजों को तारीख का मुर्रख जस्टिस मुनीर से तशबीह देगा। काजी साहब, ये कुर्सी अल्लाह की इमानत है और आप इस कुर्सी पर अल्लाह के खलीफे हो। कानून की पासदारी करो और तुम्हारे सामने जब हमारे काबिले कदर कानून दान और साहिल हैं, उनकी तजलीज न करो और सीखो उस जस्टिस इब्राहिम खान से कि इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया।